स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम हमारा 18 चैप्टर अष्टदशा पाठा मूर्खो भूपति इडियट किंग। ओके, भूपति किसको बोला गया? राजा को बोला गया, यानी एक मूर्ख राजा के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं सबसे पहले आपके सामने इस चैप्टर को रीड कर रही हूँ, इसके बाद वन बाय वन इस पैरा को एक्सप्लेन किया जाएगा। चोर कर्मणी निपुणा कश्चित चौराहा कस्मिस्त भवने प्राविशत गवाक्ष मार्गेण यदाशा कक्षम प्रवेशुम इच्छति तदेव सहसा गवाक्ष काष्ठ पतना तस्य पादः भग्नः अभवत। चोरी करने में निपुण एक चोर भवन में प्रवेश करता है और वह खिड़की से उस कक्ष में प्रवेश करने की सोचता है कि क्यों ना मैं इस खिड़की से इस कक्ष में प्रवेश कर जाऊं। तभी वहाँ पर क्या होता है कि चोरी करने में निपुण एक चोर भवन में प्रवेश करता है और वह उस खिड़की से उस कक्ष में प्रवेश करने का प्रयास करता है। तभी वहाँ पर क्या होता है, रोशनदान की लकड़ी टूटने से उसके जो पैर होते हैं उसमें चोट लग जाती है, यानी वह टूट जाते हैं पैर। ओके, उसके पैरों में चोट लग जाती है। अन्यदा पादेन खच्चा चोरा चौपट नाम कश्य राज्ञा समक्षम अगच्छत अवदच्चा अहम चोरा अश्मि हा रात्रा वहमेकम ग्रह विंसम गवाक्ष पत्नात् मम पादो भग्नः अभवत। चौपटा चीत्कारम कुर्वन उवाच अकाराय शीघ्रम गृह पतिम। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही उस चोर के पैर में चोट लग जाती है तो उसे चौपट नाम के राजा के समक्ष बुलाया जाता है। अब वो अपने आप को क्या बोलता है, अहम चोरा अस्मि, मैं चोर हूँ और मैं रात्रि में इस ग्रह में चोरी करने के इरादे से गया था तो मेरे पैर में चोट लग गई और मेरे पैर जो है वह टूट गए। वह राजा उसकी बातों को सुनता है ध्यान से, जो राजा चौपट नाम का राजा रहता है वह चोर की बातों को ध्यान से सुनता है और क्या कहता है, गृहपति को बुलाओ, यानी घर का जो मुखिया है उसे बुला के लाओ। भयात वेवला गृहपति राजसभागा सभाम आगच्छत चौपटा प्राह तव गवाक्ष दोषणेव चौरस्याय पादो भगना कंपह मानः गृहपति निवेदयति देव मात्र ममापराधा काष्ठकारस्य अयम दोषः प्रा किपितो नृपति प्राह काष्ठकारम अकारयत रक्षा पुरुषः पुरुषम काष्ठकारम बद्धव्यः राज्यसभान राजसभा मान्यन काष्ठकारः प्राज्जली तस्थो नृपति प्राह गृहपतिनः गवाक्ष निर्माणे प्रभुतम धनम वैकृतम तव अवधानेन चौरस्य पादो भग्नः काष्ठकारा प्रवोचत राजन नात्र मम दोषा यदा अहम गवाक्षे कीलक संयोजने संलग्न तदेव कोऽपि रक्त वस्त्रतम सुंदरा बालका दृष्टिपथम आगता ताम वीक्ष्य विमूढ़ संजाता अनवधानस्य कारण में तत्व। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि राजा बोलता है, नहीं सॉरी स्टूडेंट्स, चौपट राजा क्या बोलता है कि घर के मुखिया को बुलाओ और भय से डरा हुआ वह घर का मुखिया राजसभा में आता है और आकर उस चौपट राजा के सामने पेश होता है। चोर के टूटे हुए पैरों को देखता है, वह कांप जाता है और गृहपति निवेदन करता है कि इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, काष्ठकार स्वयं दोषा, इसमें बढ़ई का दोष है, उसने क्या कहते हैं इसकी खिड़कियाँ बनाई थी। रक्षा पुरुषा पुरुषम काष्ठकार, अब जो राजा है वह क्या बोलता है, बढ़ई को लेकर राज्यसभा में लेकर आओ। काष्ठकार प्राज्जली तत्सो, वह जो बढ़ई रहता है वह हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। नृपति प्राह गृहपतिना गवाक्ष निर्माणे, अब राजा पूछता है कि तुमने इस व्यक्ति के घर की खिड़कियों को बनाया। तब अवधानेन, जिसमें क्या होता है, यह चोर चोरी करने उसके घर में गया और उसके पैर टूट गए। काष्ठकारः प्रवोचत, बढ़ई क्या बोलता है, राजन नात्र मम दोषः, राजन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं इसमें खील टोकने ही जा रहा था तभी एक सुंदर बालक लाल रंग के कपड़े में मुझे दिखाई दिया और मेरे पास आया। ताम वीक्ष्य विमूढ़ दहम संजातः अनवधानस्य कारण मिट, यही कारण है कि मैं अपने काम को ठीक प्रकार से नहीं कर पाया।
कुपितः नपः बालक मानितुम् आदिशत् यदा बालकः राजद्वारम् उपागतः तदा नपः प्राह। अब वह राजा क्या बोलता है, जाओ उस बालक को बुला के लाओ और उस बालक को राजसभा में पेश किया जाए। यदि त्वं रक्तवस्त्रतम न भविष्य तदा काष्ठकारस ध्यान सौकार्यत न अविस्मर्ष्यन् सा कीलक संयोजने प्रमादम करिष्य तहिरी तदा चोरस्य पादो भग्नः न भविष्यत्। अब वह क्या बोलता है उस बालक से, यदि तुमने उस लाल रंग के वस्त्रों को नहीं पहना होता तो उस बढ़ई का ध्यान तुम्हारे ऊपर नहीं गया होता और वह कील ठोकने में गलती नहीं करता और ना ही उस चोर के पैर टूटते। तुम वहाँ पर क्यों आए थे? नाहम दोष भाग सौंदर्य तु विधात्रा प्रदत्यम रक्त वस्त्राणी तु रजकीर रंजिता। अब वह बालक बोलता है कि हे राजा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, वह लाल रंग तो उस धोबी ने मेरे कपड़ों को कर दिया, मैंने अपने कपड़े उसे धोने के लिए दिए थे और उसने मेरे कपड़े में लाल रंग लगा दिया। नपः क्रुद्धः शन्य प्राह शीघ्र मेव रजकम आकार्यत राजपुरुषः छड़े न्यो रजक मानितवंतः। अब जो राजा रहता है वो गुस्से में आ जाता है, बोलता है जल्दी जाओ उस धोबी को बुला के आओ। नपः गर्जन प्राहे रजक त्वया वस्त्राणी कथम सुंदराणी रंजितानि येन काष्ठकारः रक्तवर्ण व्रतः बालकं विलोक विमूढ़ा संजातः रजकः तु तूष्णीमेव स्थितः नपः क्रुद्ध सन प्राह कथम तूष्णीम स्थितः कथम नोत्तरम दादति रजकः कारणानि वदति किंतु नपः समाज्ञापयति रजक मेनम शूलमारोपयत संयोगेन रजकः प्रलम्बः आशीत कारागृह से द्वारम तु लघु रक्षापुरुषकः रजकम कथा द्वारे समलंब ये उते राजन मेत्यम प्रचु राजन कारागृहस्य द्वारम लघु वर्तते रचकस्य लंबा अतस्ततम सूल मारोपयितुम असमर्था वयम प्रकृपुतः सन्नपति प्राह मम देशा त्वंतता भवितुम नहिति अतः कमापि खर्वम पुरुषम आनीय शूल मारोपयत अथवा माम शूल मारोपयत। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, वह राजा गुस्से से बोलता है कि जाओ उस धोबी को बुला के लाओ जिसने तुम्हारे सुंदर कपड़ों में यह लाल रंग लगा दिया। बढ़ई तुरंत जाता है उस धोबी को बुला के लाता है। रचका तू तूषणी में उसे जो धोबी रहता है वहाँ कर चुपचाप खड़ा हो जाता है और राजा गुस्से में पूछता है तुम चुप क्यों खड़े हो, कोई उत्तर दो। अब धोबी क्या बोलता है, मेरे पास कोई कारण ही नहीं है किंतु नपः समाज्ञापयति किंतु हे राजा आप मुझे सूली पर नहीं चढ़ाना, मुझे कारागृह में डाल दो और मुझे छोटा सा दंड दे दो लेकिन मुझे सूली पर नहीं चढ़ाना। अब राजन क्या बोलता है, कारागृह का द्वार तो तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, मैं तो तुम्हें सूली पर ही चढ़ाऊंगा। गुस्से में वह राजा बोलता है अतः कमपि खर्वम पुरुषम आनीय सूल पारमेत अथवा माँ अथवा इसको जाके सूली पर चढ़ाने का वो करता है, क्या बोलता है इसको जाकर सूली पर चढ़ा दो। राजाज्ञा रक्षा पुरुषा खर्व पुरुषाम कुर्विन। अब यहाँ पर क्या होता है, एक बोने पुरुष की तलाश की जाती है किंतु संयोगेन कोऽपि खर्वा पुरुषा न प्राप्ता किंतु कोई भी एक बोना मतलब छोटे कद का पुरुष नहीं प्राप्त हुआ। तदा ते राजानाम वदभ्या कारागनम बलात् ना ताजराम सूल पर अतः उस राजा ने उस धोबी को भी सूली पर नहीं चढ़ाया और उसे लास्ट में माफ़ कर दिया। स्टूडेंट्स आज के इस स्टोरी में हमने क्या देखा, जैसे हमें पता है कि हमारे चैप्टर का नाम ही था मूर्खो भूपति यानी इडियट किंग, एक मूर्ख राजा था। यहाँ पर क्या होता है स्टोरी में, एक चोर रहता है, वह किसी घर में चोरी करने के इरादे से जाता है, उसकी खिड़की टूटकर उस चोर के पैर में आ गिरती है जिससे वह चोरी नहीं कर पाता और वह उसका पैर टूट जाता है, उसके पैरों में चोट लग जाती है। तो अब उस राजा के सिपाहियों द्वारा उस चोर को पकड़ लिया जाता है। तो एट लास्ट जब अंत में क्या होता है बेटा कि जब उस चोर को राजा के पास ले जाया जाता है तो राजा क्या बोलता है, तुमने चोरी की मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो उसने क्या बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जिस घर में चोरी करने गया था या उस घर की गलती है, उस घर वाले की गलती है। तो राजा तुरंत क्या बोलता है कि उस घर वालों को बुलाओ। अब घर का मुखिया आता है, वह क्या बोलता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें बढ़ई की गलती है जिसने इस खिड़की को बनाया। बढ़ई को बुलाया जाता है तो बढ़ई क्या बोलता है, राजन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो कील ठोकने ही जा रहा था, मैं सही जगह पर कील को ठोकता लेकिन एक नन्हा बालक बहुत सुंदर वस्त्र पहनकर मेरे सामने आ गया तो इसमें उसकी गलती यानी मेरा कोई दोष नहीं है। अब राजा क्या बोलता है, देखो वन बाय वन एक दूसरे को एक एक करके सबको बुलाया जा रहा है। राजा बोलता है उस नन्हे से बालक को बुला के लाओ। तो वह बालक बोलता है राजन इसमें मेरा भी कोई दोष नहीं है।
इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन यह मेरे वस्त्रों को धोबी ने अच्छे से रंग दिया, जिसके कारण मेरे वस्त्रों को देखकर बढ़ई का ध्यान मेरे वस्त्रों पर चला गया और उसका काम ठीक से नहीं हुआ। तो राजन क्या बोलता है, धोबी को बुलाओ। धोबी क्या बोलता है कि इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं, अगर मुझसे कपड़ा रंग गया आप मुझे क्षमा करो राजन, मुझे वो मत करो, दोष मत दो, नहीं मुझे सजा दो। तो राजा क्या करता है, अंत में उसको बोलता है नहीं मैं तुम्हें फांसी पे चढ़ा दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब वह माफ़ी मांगता है तो राजा बोलता है ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ और तुम सब चले जाओ। अब उसने किसी को सजा नहीं दी। तो बेटा देखो आज की इस स्टोरी में हमने समझा जो हमारा चैप्टर था मूर्खो भूपति, या चैप्टर सेम हमारे लेसन टाइटल, जो हमारे लेसन का टाइटल है उसी पर पूरा है चैप्टर आधारित था। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स एंड गुड डे बेटा।